ये और बॉक्स को, एयर फिल्टर का बॉक्स जो होता है उसमें, ये देखिए एलेंकी का 5 को बोल्ट लगा हुआ रहता है, लॉक भी रहते हैं उसमें, फर्स्ट बार अगर खोलेंगे तो उसमें लॉक लगा हुआ रहता है, उसको तोड़ दें पेचकस से। और एलेंकी का बोल्ट 5 पीस रहता है, देखिए साइड में भी है, स्क्रू टाइप से रहता है 5 नंबर एलेंकी का, जिसमें खोल के और निकाले एक जाली निकलेगा, जाली टाइप से, फिर उसके अंदर एयर फिल्टर निकलेगा। एयर फिल्टर अगर ज़्यादा गंदा हो तो उसको चेंज कर दे अथवा उसको साफ करके लगा सकते हैं। इंजन कंपार्टमेंट में रहता है ये फिल्टर, जैसे ही बोनट खोलेंगे दिखेगा और वो देख सकते हैं कि आप कितने गंदे हैं, इसको अच्छे से साफ कर ले या तो धो ले तभी लगाएं। देखिए गंदा है, एक लेयर गंदा है, बाकी तो ठीक है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ था इसके लिए लगा दिया जा रहा है, लेकिन अच्छे से जब खुले तो इसको चेंज ही कर देने चाहिए, ज़्यादा डस्ट एरिया में चलने चलते हैं तो उसको चेंज ही कर देने चाहिए। तो देखिए जाली अब फिट करने से पहले एक जाली को साफ किया हुआ है, साफ करने के बाद उसको, जाली को फिट करने के बाद एयर फिल्टर उसको लगाना है, और लगा के उसको फिर जैसे हमने खोले थे वैसे ही उसको फिर ऊपर में देख सकते हैं कि एक और जाली, एक नीचे जाली होता है एक ऊपर जाली होता है, बीच में एयर फिल्टर, उसके बाद उसका जो बॉक्स होता है ऊपर का, 2 भाग में एक भाग ऊपर का लगा के, और जैसे ये बोल्ट है एलेंकी बोल्ट हम लोग बोलते हैं उसको, एलेंकी बोल्ट को अच्छे से सेट कर दें ताकि कहीं साइड से एयर ना निकले, एयर ना ले सके, नहीं तो टर्बो में प्रॉब्लम हो जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग S3 में लगा हुआ है ये फिल्टर, ये अगर ज़्यादा डस्ट हो जाए और अगर नहीं चेंज होगा तो टर्बो भी ख़राब हो सकता है। ये लेंकी बोल्ट है, देख सकते हैं हम टाइट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, अच्छे से देख के बैठाने होते हैं, थोड़े से थोड़ा और